एगा इस वेलकम टू दर्टी 36th लेक्चर ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आई एम हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एम सी करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्टी वन से लेके थर्टी फाइव तक जो भी हमने पढ़ा है जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज का पार्ट सिक्स है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का ठीक है तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की सिम्प्लास्ट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म सेल वॉल सेल सेलमेम या प्लाज्मोडेस्मेटा सही ऑप्शन है सेल वॉल देखो मैंने आपको लेक्चर नंबर थर्टी वन में पढ़ाया था दो तरह के पाथवे होते हैं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट सिंप्लास्ट पाथवे के समय वाटर जो होता है वो लिविंग कॉम्पोनेंट से होकर फ्लो करता है लिविंग कॉम्पोनेट जैसे कि सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा और साइटोप्लाज्म इनको हम लिविंग बोलते हैं ये लिविंग होते हैं और इन्हीं से वाटर का फ्लो होता है सिम्प्लास्ट पाथवे के समय और एपोप्लास्ट पाथवे के समय वाटर का जो फ्लो होता है वो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जैसे कि सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होकर होता है एनसीआरटी पेज वन में आपको यहाँ सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे को समझाया भी गया तो देखो जो लाइट ब्राउन है ना लाइट ब्राउन ये सब जो एरिया है ये जो एरिया है प्लाज्मोडेस्मेटा ठीक है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये पाथवे है ये सिम्प्लास्ट पाथवे ठीक है और जो डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन जो है जो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस ठीक है इंटरसेलर स्पेस ये जो एरो शो किया गया है ये है एपोप्लास्ट पाथवे ठीक है एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से होकर जाता है और सिम्प्लास्ट में लिविंग कॉम्पोनेंट तो यहां पे क्या पूछा है सिम्प्लास्ट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट सेल वॉल क्योंकि सेल वॉल जो है ये एपोप्लास्ट पाथवे में आएगा ठीक है एपोप्लास्ट पाथवे के समय वाटर सेल वॉल से होकर जाता है सिम्प्लास्ट के समय तो साइटोप्लाज्म सेल सेलम्रेन और प्लाज्मो होकर वाटर फ्लो करता है चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इनक्रीज व्हेन कब वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जब ट्रांसपिरेशन बढ़ता है जब फोटोसेंथेसिस बढ़ता है जब रेस्पिरेशन बढ़ता है या जब रूट प्रेशर बढ़ता है तो इसका सही आंसर है जब ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी इंक्रीज होता है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर थर्टी थर्टी फाइव में जब हम मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ ये क्वेश्चन देखो ये भी एकदम सरल क्वेश्चन है ट ऑफ वॉटर सेलर स्पेस नॉर एपोप्लास्ट पाथवे इट इज दिमप्लास्ट पाथवे ईदर सिंप्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे या फिर सिर्फ एपोप्लास्ट पाथवे तो यह भी आपको पता है एपोप्लास्ट पाथवे इंटरसेल्युलर स्पेस से जब वॉटर जाता है तो वह एपोप्लास्ट पाथवे के समय जाता है देखो एपोप्लास्ट के समय नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होकर वाटर फ्लो करता है जैसे कि सेल्वर और इंटरसेलुलर स्पेस तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरसेलुलर स्पेस मैंशन किया है कि अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस देन इट इज एपोप्लास्ट पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे ठीक है चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ क्वेश्चन देखिए ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है डिक्सन एंड जॉली आर एसोसिएटेड विथ लाइट रिएक्शन एंड एन एंड रेस्पिरेशन, कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मॉडल ऑफ एसेंट ऑफ सैप या एपिकल डोमिनेंस। सही आंसर है ऑप्शन सी लेक्चर नंबर थर्टी फाइव में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल एक ऐसा मॉडल या एक ऐसा थ्योरी है जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दिया था जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को समझाने के लिए सबसे अच्छा मॉडल है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जो कि दिया था डिक्सन एंड जॉली ने तो डिक्सन एंड जॉली आर एसोसिएटेड विथ कोहेजन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप ठीक यहाँ पे टेंशन मेंशन नहीं किया है इस ऑप्शन में लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो मिल गया ना कोहेशन एंड ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज एसोसिएटेड विद डिक्सन एंड जॉली या डिक्सन एंड जॉली आर एसोसिएटेड विद कोहेशन एंड ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव है वॉटर राइजेज इन द स्टेम ड्यू टू स्टेम में वॉटर जो है वो ऊपर की तरफ राइस करता है अपवर्ड मूवमेंट शो करता है क्यों? ड्यू टू तो कोहेजन एंड ट्रांसपिरेशन पुल ड्यू टू तो टर्गर प्रेशर ड्यू टू तो ऑस्मोटिक प्रेशर या नन सही आंसर है ड्यू तो टू में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपिरेशन पुल जो है ट्रांसपीरेशन की प्रॉपर्टी है जब प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो देखो यहाँ पे आपको स्टेम में स्टेम में क्या दिखाई देगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन होने से ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है और कोहेजन फोर्स लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और एडिशन लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में राइट right? तो यहाँ पे क्या दिया वाटर राइजेज इन द स्टेम ड्यू टू कोहेजन एंड ट्रांसपीरेशन पुल सबसे सही ऑप्शन सबसे क्लोज ऑप्शन ऑप्शन ए है ठीक है ट्रांसपिरेशन पुल के कारण और साथ ही साथ कोहेजन के वजह से जो वाटर होता है वो स्टेम में हमारा स्टेम है स्टेम में राइज करता है वाटर, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के तरफ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन है अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सेल वॉल्स सेल वॉल्स यानी कि और और के बीच में लगने वाला attractive force को आप क्या कहते हैं? या osmosis? सही आंसर है देखिए मैंने आपको पढ़ाया था एडहेशन जो है इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन जयलम वॉलम जाइलम किससे बना है ट्रैकड और वेसल से राइट जाइलम जो है वो ट्रैकड और वेसल से बना है और ट्रैकड और वेसल्स के सेल में आपको क्या मिल जाएगा सेल वॉल मिल जाएगा सेल है तो उसका बाउंड्री क्या होगा सेल वॉल का होगा ठीक तो जाइलम वॉल यानी कि के सेल्स के जो सेल वॉल है और वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं एडहेशन फोर्स ठीक है अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सेल वॉल्स ऑफ जाइलम जाइलम एलिमेंट्स ठीक है जाइलम एलिमेंट्स जाइलम एलिमेंट्स क्या ट्रैकेड्स

ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है दिम्बायोटिक रिलेशनशिप या या म्यूचुअलिज्म सही आंसर है माइकोराइजा देखो लेक्चर नंबर थर्टी टू में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद रूट सिस्टम ठीक है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये देखो फंगस जो है और रूट जो है दोनों हाथ मिलाए हुए दोनों तो के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और उसी रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं माइकोराइजा ठीक चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट के तरफ क्वेश्चन नंबर एट देखिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लाइक कोहेजन एडेशन एंड सर्फेस टेंशन ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का कोहेजन एडेशन एंड सर्फेस टेंशन फॉलोइंग एबिलिटी दैट हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप यानी कि कोहेशन एडेशन सर्फिस प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर का ये वाटर को ऐसा कौन सा एबिलिटी देते हैं जो की हेल्प करता है इन एसेंट ऑफल सैप यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर प्लस मिनरल थ्रू जायलम में हेल्प करता है एबिलिटी टू राइज इन थिं ट्यूब्स को प्रॉपर्टी है वो वॉटर को कौन सा एबिलिटी देता है

तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या वापस नीचे की तरफ चले जाएंगे नहीं ये जाइलम वॉल में यहाँ पे जाइलम में इसी तरीके से प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेजन फोर्स लग रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वॉल के बीच में एक फोर्स लग रहा है एडहेशन ठीक है तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहीं पर प्रेजेंट रहेंगे ओके ठीक है तो एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स एंड एबिलिटी टू रिजिस्ट अ पुलिंग फोर्स आपको पता है कोहेशन और एडहेशन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर एक जगह टिकाए रखते हैं और ऊपर जब एक कोहेजन क्या याद करो दो वाटर मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में कोहेजन फोर्स लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है ट्रांसपीरेशन पुल लग रहा है लेकिन नीचे वाला वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ चिपका हुआ है बोल रहा है तुम तो मेरे पास आ क्योंकि दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेजन फोर्स है ठीक है तो ऊपर जाने को रेजिस्ट कर रहा है ट्रांसपीरेशन पुल को रेजिस्ट कर रहा है ठीक तो कोहेजन एडेशन और सरफेस टेंशन इनमें एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल एक पुलिंग फोर्स है उसको रेजिस्ट करने का एबिलिटी होता है कोहेजन और एडेशन में जो कि वाटर की प्रॉपर्टी है बट फिर भी ट्रांसपिरेशन पुल pull, जो पुलिंग फोर्स है ये कोहेजन और एडहेशन से ज्यादा होता है तो इसीलिए वाटर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है कोहेजन और एडेशन इज एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल को रेजिस्ट करते हैं लेकिन फिर भी अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है क्योंकि ये पुलिंग फोर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा लगता है

से ज्यादा अमाउंट में यह ट्रांसपुरेशन पुल लगता है पुलिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट हो जाता है एसेंट ऑफ जाइलम हो जाता है ठीक ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब था कुछ थोड़ा टफ इंग्लिश में लिखा हुआ था बट आई होप आपको क्वेश्चन का जो मतलब है वो समझ में आ गया हो ठीक वही जरूरी है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन देखो जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन या ऑल द अवर अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर देंगे वो फटाक से ऑप्शन ए को टिक मार देंगे और उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया मेनली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है बट जाइलम से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स का भी ट्रांसलोकेशन होता है गाइज गाइज समझे याद कर लो इसको यहां पे आप बहुत जन गलती करोगे फटाक से वाटर एंड मिनरल्स को टिक मार दोगे ऑल ऑफ द होगा सही आंसर मैं लेक्चर नंबर में आपको बोला था कि वाटर एंड मिनरल्स जो है जाइलम के थ्रू फ्लो करते हैं और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जब फूड बनता है तो फूड फ्लोएम के थ्रू फ्लो मूव करता है लेकिन एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है बहुत शुरुआत में बहुत शुरुआत में कि से वॉटर एंड मिनरल्स जाते हैं, लेकिन से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन का भी ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसलोकेशन ट्रांस देखने को मिलता है मेनली बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा मिनरल का हो रहा है मेनली हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का ओनली नहीं मेनली ठीक चलिए तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए सबको लगता है इजी है फटाक से टिक मार दी और गलत हो जाता है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के तरफ ये क्वेश्चन देखिए इफ वी प्लेस अ ट्विग एक डहनी प्लांट का एक डहनी है जिसके ऊपर एक व्हाइट फ्लावर है बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स इन कलर्ड वाटर कलर्ड वाटर में तो इट चेंजेस कलर

तो मैंने कहा था कि एक कलर रेड कलर सोल्यूशन है उसमें आप एक बल्सम प्लांट के डहनी को रख दो ठीक है जिसके ऊपर एक वाइट फ्लावर है थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो फ्लावर है वो रेड हो गया है क्यों क्योंकि वाटर एब्जॉर्बशन जब इस ट्विक ने किया ना तो इस ट्विक के जाइलम के थ्रू जाइलम का एक वैस्कुलर बंडल है जाइलम जाइलम और फ्लेम, एक वैस्कुलर बंडल है तो जाइलम के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो जब इसका टीएस लोगे और इसके जाइलम को देखोगे ना तो आपको रेड कलर जाइलम देखने को मिलेगा क्योंकि जाइलम से इस रेड कलर वाटर का रेड कलर्ड वाटर का जो रेड कलर्ड वाटर था क्योंकि आपने इसमें इओसिन डाल दिया इओसिन सोल्यूशन इस रेड कलर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है ठीक है रेड कलर सोल्यूशन का एब्जॉर्प्शन हुआ है थ्रू जाइलम तो जाइलम वेसल आपको रेड कलर के दिखाई देंगे तो आपको पता चलेगा कि पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वैसकुलर बंडल्स वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और बंडल्स क्यों लिखा है क्योंकि आपको देखो आपको फ्लोएम से भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि मेनली मैंने जब जैसे आपको कहा मेनली वाटर का मेनली एच टू ओ का ट्रांसलोकेशन करता है जाइलम बट फ्लोएम जो है वो मेनली फूड का करता है बट फ्लोएम से भी आपको वाटर का ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पे हमने जाइलम को ज्यादा फोकस किया क्योंकि मेनली हम जाइलम को लेके चलते हैं कि वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है मेनली जाइलम से होता है तो आपको जाइलम वेसल कैसे दिखाई देंगे रेड कलर के दिखाई देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर का ट्रांसलोकेशन जाइलम से हुआ है अपवर्ड मूवमेंट हुआ है ओके फ्लावर्स एबिलिटी टू टर्न देयर देयर कलर बहुत बच्चे इसको टिक करेंगे बट ये एबिलिटी कैसे आया फ्लावर का जो कलर था व्हाइट से रेड हो गया किसके वजह से पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वैस्कुलर बंडल इसी के वजह से ना जाइलम से वाटर मूव किया तभी तो फ्लावर जो था उनके अंदर एबिलिटी हुआ कि वो अपने कलर को बदल सके तो आपको प्रायोरिटी डी को देना है ए को नहीं ए भी सही है फ्लावर्स हैव एबिलिटी टू टर्न देयर कलर बट फ्लावर में एबिलिटी कहाँ से आई रूट क्या है कॉज क्या है क्योंकि वाटर का मूवमेंट हुआ है थ्रू द वैसकुलर बंडल ठीक है जाइलम से हुआ और राइट right? तो डी ऑप्शन हमारा सबसे सही ऑप्शन है और राइट right? ये मैंने आपको लेक्चर नंबर थर्टी फोर में अच्छे से पढ़ाया था तो यहाँ पे हमने दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं मिलता हूं मैं आपसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू टेक केयर